इतिहास वही बनाते हैं जो सपने देखने की हिम्मत और उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्ति है, मैन ऑफ स्टील के नाम से प्रसिद्ध श्री ओम प्रकाश जिंदल। श्री ओम प्रकाश जिंदल का जन्म 7 अगस्त 1930 को हरियाणा के हिसार जिले के नलवा गांव में हुआ था। अपने जीवन की शुरुआत एक साधारण पृष्ठभूमि से करते हुए उन्होंने अपनी मेहनत, दूरदर्शी सोच और समर्पण के बल पर भारतीय स्टील इंडस्ट्री को एक नई दिशा व दशा प्रदान की। 1952 में एक छोटी सी फैक्ट्री से अपने व्यवसाय की शुरुआत करते हुए 1964 में उन्होंने जिंदल इंडिया लिमिटेड की स्थापना के साथ स्टील इंडस्ट्री में एक नई क्रांति को जन्म दिया। उनकी कंपनियों ने स्टील, पावर जनरेशन, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री जिंदल के नेतृत्व में जिंदल समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। आज उनकी उसी सोच और विरासत को उनकी पत्नी श्रीमती सावित्री जिंदल और उनके 4 पुत्र श्री पृथ्वीराज जिंदल, श्री सज्जन जिंदल, श्री रतन जिंदल और श्री नवीन जिंदल आगे बढ़ा रहे हैं। एक उद्योगपति के साथ ही श्री ओम प्रकाश जिंदल एक बड़े समाज सेवी भी थे। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उन्होंने कई महत्वपूर्ण योगदान किए हैं। उनका मानना था, बेटा पढ़ता है तो एक घर बसता है और बेटी पढ़ती है तो 2 घर बसते हैं। इसलिए उन्होंने 1981 में छात्राओं के लिए विद्या देवी जिंदल स्कूल की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने NC जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट और कई अन्य संस्थानों के माध्यम से समाज सेवा की। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि उनके द्वारा शुरू किए गए सभी प्रोजेक्ट्स समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, चाहे वह आर्थिक रूप से कमजोर हो या ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हों। 1991 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने। 1996 में वे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से वह 11वीं लोकसभा के सदस्य बने और बाद में एक बार फिर विधानसभा के रास्ते हरियाणा सरकार में ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने हमेशा नवीनतम तकनीक को अपनाने पर जोर दिया। देश की स्टील इंडस्ट्री में नई तकनीकी लाने का बड़ा श्रेय उन्हें ही जाता है। उनके नेतृत्व में जिंदल समूह ने न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उनके परिवार ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक और औद्योगिक विकास में अपना योगदान जारी रखा है। श्री जिंदल का जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। पूजनीय बाऊजी की 94वीं जयंती पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाऊजी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कोई भी व्यक्ति बाधाओं को पार कर अपने सपनों को साकार कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाले युग पुरुष, मैन ऑफ स्टील श्री ओम प्रकाश जिंदल जी को शत शत नमन।